पंजाब दे राजपाल वालों फिर दोबारा मुख्यमंत्री यानी पंजाब सरकार नू लिखी गई चिट्ठी ते मंगिया हिसाब। इस हिसाब नू मद्देनज़र रखदिया होया पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राजपाल नू दिता ठोकमा जवाब। जेकर आपां पंजाब सरकार दी गल करिए ते पंजाब दे विच जदों दी आम आदमी पार्टी दी सरकार बनी है उस वेलां तो राजपाल किते ना किते पंजाब दे विकास कारजां नू लैके कोई ना कोई जिहड़ा इहो जिहा मतलब बखेड़ा खड़ा करदा है जिस नू लैके सरकार जिहड़ी है उहनां दीआं चिट्ठियां पत्रां दे विच खोई रहिंदी है। और वड्डी गल इत्थे है कि पंजाब दे लोक जाणदे ने, वो पंजाब दे लोग जानते हैं कि राजपाल की भूमिका इस समय किस तरह चल रही है और पिछलियां सरकारां वेले भूमिका किस तरह चलती सी, इस बारे पंजाब दे लोग राजपाल साहब जान चुके ने। पंजाब दे लोग 2024 दीआं चोणां नूं मद्देनज़र रखदिआं होइआं हर एक पार्टी नूं ठोकमा जवाब देणगे। जिस तरह पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार विचर रही है और विकास कार्ज भी हो रहे हैं, भ्रिष्टाचारी के खिलाफ लोगों नूं पकड़िया भी जा रहा, जांच भी चल रही ने, इन्हां सारियां चीज़ों तो पंजाब वासी खुश ने। हरपाल सिंह चीमा ने किस तरह दिता ठोकमा जवाब ये तुसी एक वीडियो विच सुन सकते हो, वेखो वीडियो। मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी ने थोड़े दिन पहला साडे मानयोग गवर्नर पंजाब राजपाल पंजाब जी को RDF रिलीज करवाउण दे संबंधी एक लैटर लिखिया, एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे तो पंजाब का RDF का पैसा, रूरल डिवेलपमेंट का पैसा केंद्र सरकार को पेंडिंग पिया गया, उन्होंने रिलीज करवाउण लई जिहड़ी रिक्वेस्ट आ उह मानयोग गवर्नर साहब नूं कीती, पर लेकिन अफसोस से गवर्नर साहब ने जवाब दिता कि मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच पेंडिंग आ। इस तो पहला साढ़े सत्कारयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने कई बार मामला केंद्र सरकार को खुद जाके भी उठाया और चिट्ठी पत्र भी बहुत बार किया, पर लेकिन केंद्र सरकार टस तो मस नहीं हुई। इस तो बाद सानू मजबूरी में जिहड़ा हैगा सुप्रीम कोर्ट के जाना पिया। मेरी मानयोग गवर्नर साहब नूं बेनती है कि तुरंत इस मामले ध्यान देके तुरंत जिहड़ा हैगा केंद्र सरकार नाल गलबात करके ये साढ़े RDF के पैसे जिहड़े लगे वह तुरंत रिलीज करवाए जाण। जेकर तुसीं पैसे रिलीज करवाने हो तो असीं जिहड़ी ओह पटीशन वापस लै लवांगे। और दूसरा रही गल कि तुसीं जिक्र कीता गा कि पंजाब ते कर्जा किन्ना चढ़िया गा, मैं तुहानूं याद दिवाउणा चाहुंदा गा कि पंजाब दे उत्ते कर्जा गवर्नर साहब पुरानी सरकार जदों पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल ते BJP दी भारतीय जनता पार्टी दी सरकार सी उस समय सब तो वध कर्जा पंजाब ते चढ़िया गा। उस कर्जे नूं लाउण दे लई, उस कर्जे दा ब्याज देण दे लई साडी सरकार लगातार जिहड़ी आ ओ असीं पे कर रहे हैं, लगातार असीं ब्याज भी दे रहे हैं और लगातार मूलधन भी वापस कर रहे हैं। सो मैं समझदा गा तुसीं इस जिहड़ा तुसीं कहा कि कर्जा किवें चढ़िया, ये जिहड़ी पुरानियां सरकारां सी ये कर्जा उन्होंने चढ़ाया गया। सो मेरी तुहानूं बेनती है कि तुरंत साडा RDF का पैसा जिहड़ा केंद्र कोले पेंडिंग पिया गा उहनूं रिलीज करवाउण दे लई तुसीं जिहड़ी अपनी भूमिका निभाओ, क्योंकि तुसीं पंजाब दे गवर्नर हो, तुहानूं केंद्र सरकार ने बतौर नुमाइंदा पंजाब चों अपॉइंट कीता गा, तुसीं अपनी ड्यूटी निभाओ, ना कि तुसीं मामले नूं डीरेल करन दा यतन कर रहे हो, मामले नूं भड़काउण दा यतन कर रहे हो। तुसीं जिहड़ी तुहाडी ड्यूटी बणदी आ उस ड्यूटी नूं निभाओ और अपना फर्ज जिहड़ा हैगा, तुहानूं जो संविधानक फर्ज साडे संविधान ने सौंपिआ गा उहदे उत्ते अपनी जिहड़ी आ ड्यूटी दे पाबंद रहो।